बेंच। 75वें सेना दिवस के मौके पर उत्तरी कमान की ओर से जम्मू क्षेत्र के उधमपुर जिले में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन में सेना ने नव निर्मित हथियारों और गैजेट्स का प्रदर्शन किया है। इन्होंने साल भर सेना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। आज 75th आर्मी डे है और इस उपलक्ष्य में उधमपुर जिले में एक एग्जीबिशन लगाया गया है, जिसमें सेना का दमखम और सेना पिछले कुछ सालों में किस तरह से अपडेशन हुआ है, चाहे वो वेपनरी हो, चाहे वो सिग्नल्स हो, चाहे वो व्हीकल्स हो, चाहे वो कॉम्बैट हमारे हेलीकॉप्टर्स हो, तमाम जो हैं आज एग्जीबिशंस में उनको एग्जीबिट किया जाएगा, युवाओं को दिखाया जाएगा और युवाओं को इस बात के लिए मोटिवेट भी किया जाएगा, अपने देश की सेवा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो वेपनरी है, ये दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए एकदम सक्षम है। ये लेटेस्ट वेपनरी है, ये LMG आप देख सकते हैं। जब कभी युद्ध के हालात बनते हैं तो MMG का बहुत ही अहम एक रोल होता है। ये आप देख सकते हैं 30mm AGS है, 7.62mm MMG है और ATGM, यानी कि जब आप गोला दागते हैं और यहाँ ये दूरबीन है, इससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं दुश्मन की रेंज को। इसकी रेंज भी बहुत अच्छी होती है और ये वेपनरी आप देख सकते हैं जिस तरह से जो एंटी माइंस वेपनरी है, जो गैजेट्स होते हैं जिससे कि दुश्मन के इलाके में कोई माइन तो नहीं लगा, उसकी जांच करने में ये काफी मदद देते हैं। उसके साथ साथ जो ये हथियार हैं 9mm CMG, ये गन आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं 9mm MP9 जो गन है, ये लेटेस्ट वेपनरी अब हिंदुस्तान जो सेना है हमारी उसकी ताकत को बढ़ाने में अहम योगदान दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे जवान, इनको अब तमाम वो गैजेट्स, तमाम वो वेपनरी मिल चुकी है जिससे ये दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब कभी भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आप इनकी हेलमेट भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ जो कैमरास लगे हैं जो रियल टाइम वो कैप्चर भी करते हैं, जिस तरह से ये कई कॉम्बैट किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो वहां इन तमाम चीजों की मदद इनको मिलती है। और उसके साथ साथ यहाँ काफी कुछ आज होने वाला है, डॉग शो होने वाला है। उसके साथ साथ सबसे अहम बात जो मैं आपको बता दूं कि ये मेरे हाथ में एक ब्रोशर है, इस ब्रोशर में अग्निपथ स्कीम के बाबत बताया गया है और युवाओं को मोटिवेट किया जाएगा कि वो अग्निपथ स्कीम के तहत हिंदुस्तान की सेना में आ सकते हैं और यहाँ सेना में आकर देश की सेवा कर सकते हैं। ये आप स्क्रीन लगाई गई है जो अग्निपथ स्कीम के तहत युवा आए हैं, उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। ये शहीद जो हैं जिन्होंने परमवीर चक्र और तमाम ऐसी मेडल्स जीते हैं, देश का नाम ऊंचा किया है, देश के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया है, उनकी जो है जितनी भी जानकारियां हैं वो इनको यहाँ पे दी जाएंगी। यहाँ पे तमाम युवा मोटिवेट होंगे और हिंदुस्तान की सेना को ज्यादा से ज्यादा नजदीक से जानेंगे, पहचानेंगे। और आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी ट्रेनिंग होगी, उसके भी दृश्य यहाँ स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे। मेरे हाथ में ये एक ब्रोशर है, इस ब्रोशर में तमाम इस स्कीम की जो जानकारियां हैं वो सब दी हुई हैं, जो कि युवाओं को, यहाँ आने वाले युवाओं को दी जाएंगी। आज दिन भर ये जो एग्जीबिशन है वो चलेगी और इससे ना बल्कि युवाओं को एक मोटिवेशन मिलेगा बल्कि वो भी ये जानेंगे कि हमारी जो सेना है वो कितनी सशक्त और सक्षम हो चुकी है पिछले कुछ सालों में। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, उधमपुर। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजन वैद। राजन, अभी आपकी ये रिपोर्ट हमने देखी, बेहद सराहनीय कदम है ये और वहां पर जो युवा आने वाले हैं उनका उत्साह यकीनन देखने लायक रहेगा। हम भी किसी से कम नहीं है, ये साफ तौर पर दर्शाता है। बिल्कुल हिना, आपने सही कहा, हम किसी
कम नहीं थे और ना है और ना ही रहेंगे। और ये अब जो है एग्जीबिशन की शुरुआत हो चुकी है और अब लोग भी यहाँ आने लगे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो वेपनरी है उसकी जो है इन्फॉर्मेशन देते हुए लोगों को यहाँ पे ये जवान हमारे साथ थोड़ा बताएंगे क्या है ये किस तरह से ये करता है। तो जिस तरह से ये आप देख सकते हैं जब भी कोई कॉम्बैट ऑपरेशन होता है ना, तो इन गैजेट्स इन वेपनरी की सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो सेना को होती है। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से नई वेपनरी इंट्रोड्यूस की गई है सेना में, उससे जो सशक्त हुई है सेना, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस वक्त जो है दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो हिंदुस्तान के साथ टक्कर ले सके, क्योंकि हमारी सेना भी सशक्त है और उनके पास जब गैजेट आ गए हैं तो वो सोने पे सुहागा हो चुका है। और ये अब ये साफ कर देता है कि जो ये गैजेट्स की मदद से ये लोगों में एक विश्वास भी देता है हिना के, लोगों को लगता है कि वाकई ही अब हम जो है अब बिल्कुल ही सेफ हाथों में हैं, हम चैन की नींद सो सकते हैं अपने घरों में। जो लोग आए हुए हैं जो मौजूद हैं, क्या उनसे बात हो सकती है, उनका रिएक्शन हम जान सकते हैं? जी जी, हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तमाम लोग आए हैं, क्या कहेंगे, आपने जो ये देखा है कितना अच्छा लगा? अच्छा है सर, इससे विश्वास होता है कि सेना के पास अब तमाम वो गैजेट्स हैं, वेपनरी है, जिससे वो हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। क्या कहेंगे आज इस एग्जीबिशन को देख के? सर बहुत अच्छा लगा, जो बच्चा फैमिली को जानकारी मिलेगा इसमें से, इसमें राइफल के बारे में सब कुछ हम बता रहे हैं इनको, कैसे होता है, क्या होता है, इसमें ये क्या चीज है, ये कहाँ से मॉल होता है, सब कुछ बता रहे हैं। तो आप बच्चों के साथ फैमिली के साथ यहाँ पे आए, आपको लगता है बच्चों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि उनकी सेना कितनी सशक्त हो चुकी है? 100% होना चाहिए, बहुत अच्छा है, बच्चा को भी लाइक करता है, इन लोगों को ये आर्मी में जाना जाता है, इसलिए इनको जानकारी देना बहुत जरूर है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सेना में जाएं? 100%। तो जज्बा देखिए कि यहाँ लोगों का, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो सेना में जाएं, मोटिवेट हो सेना में जाने के लिए। ये लोग हमारा क्या सर, क्या किस तरह से इस एग्जीबिशन को आप देखते हैं, क्या कुछ आपको लगा यहाँ पे हमारी जो सेना पिछले कुछ सालों में कितनी सशक्त हो चुकी है? हाँ जी सर, सशक्त तो काफी हुई है, क्योंकि सेना का इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है ना। जैसे हम अपने मोबाइल को अपग्रेड करते हैं, हर चीज अपग्रेड करते हैं ना, तो उसी वर्जन से हमारी सेना जो अपग्रेडेशन कर रही है वो बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो ये जो आज का हुआ है, हम साथ इसको अब एक बार देख के आ चुके हैं, तो ये अपग्रेडेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और इसे देख के मैं एक सैनिक हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा जुनून लगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी स्पेशल फोर्सेस की हैं जो हमने नहीं देखी थी, हम भी फोर्स में स्पेशल फोर्स वाली, तो उनको देख के लगा कि हाँ वाकई हमारी सेना कुछ अपग्रेड कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। तो आपको लगता है कि अब जो ये एग्जीबिशन लगाई गई हैं, ये युवाओं को कितना मोटिवेट करेंगे, क्योंकि अग्निपथ स्कीम के बाबत भी उनको जानकारी दी जाएगी? हाँ, इससे मोटिवेशन सर ये होगा, देखो अग्निपथ का तो जो बंदे आए हैं अग्निपथ में, अग्निवीर बन के जो बंदे आए हैं, वो तो सशक्त है, वो तो हमारे जैसे मेरे छोटे भाई हैं। सशक्तिकरण क्या है, इनको देखने से उनका भी मोटिवेशन होगा, जो छोटे बच्चे हैं उनका भी मोटिवेशन हमारी सेना के प्रति होगा। और सेना तो सबसे पहले ही जागरूकता पे चली हुई है, फर्स्ट में गिनती होती है, तो प्रथम श्रेणी में सेना को रखा गया है, हम उसके सैनिक हैं। और आप जो तो इससे क्या है, मुझे तो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आर्मी भी हर विभाग की तरह अपनी इम्प्रूवमेंट पे है। देखो कितने न्यू टेक्निक वाले हथियार, गाड़ियां सभी आए हैं इधर। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे जो हैं यहाँ के मोटिवेट हों और सेना में जाएं? हाँ जी, देखो वो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन जब टाइम आएगा तो उनको भी इसी विभाग में जाना चाहिए जी। तो हिना, आप सुन सकती हैं कि यहाँ हर कोई जो है अपने बच्चों के साथ आया है, फैमिली के साथ आया है, और वो चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं वो भी इससे मोटिवेट हों और सेना में जाएं। और मैं आपको ये जो ऑल टेरेन व्हीकल है, जो हमने पहले भी बताया था दर्शकों को कि ये किसी भी हालात में, किसी भी मौसम में, किसी भी दुर्गम इलाके में जाने के लिए सक्षम होता है, और ये आर्मी की एक जो है वो ताकत बन चुका है यहाँ जम्मू कश्मीर में।
तरह की यहाँ टोपोग्राफी है, जिस तरह की यहाँ टेरेन है, यहाँ पे आर्मी की ताकत बन चुका है। और ये जो इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जब कहीं दुर्गम इलाके में जब सेना कॉम्बैट ऑपरेशन करती है तो वहाँ आगे ये व्हीकल चलते हैं जो क्लियर करते हैं, रोड को क्लियर करते हैं। और ये तमाम जो गैजेट्स हैं इस बात की जो है निशानदेही करती हैं कि हमारी सेना जो है वो पहले से ही सशक्त थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इनको गैजेट्स दिए गए हैं, इनको वेपनरी दी गई है, उससे ये लिथल बन चुके हैं, इससे ये किसी भी जो है दुश्मन देश का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। कब तक है ये प्रदर्शनी, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी है? पास तमाम वो साधन अब उपलब्ध हैं जिससे वो कर सकते हैं। ये देखिए, अगर कहीं अगर ऐसी जंग होती है जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उस वक्त जो किस तरह की कॉम्बैट ड्रेस सेना के जवान पहनते हैं उसको भी दर्शाते हुए इस एग्जीबिशन में आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो इनकी कॉम्बैट ड्रेसेस होती हैं उसकी भी एग्जीबिशन लगाई गई है। एनबीसी जैकेट है, एनबीसी ट्राउजर है, एनबीसी बिल्कुल बिल्कुल राजन, तो इन तमाम जानकारी के लिए और जिस तरह से ये तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यार।